हाँ सब लोग एक ना एक बार तो गिरे ही होंगे आज सुबह से, क्योंकि आज सुबह व्हाट्सअप गाइज, माई नेम इज़ रवि एंड यू आर वॉचिंग एस्केप विद रवि। राइट नाउ आई एम इन मनाली, और अगर आपने इस सीरीज़ के फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख लेना। अभी मैं केडी विला में हूँ, जहाँ मैंने रात को स्टे किया था। इस प्रॉपर्टी की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे आपकी कार यहाँ पर सेफ रहेगी। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग गाइस, सो रूम से तो हम निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं मनाली को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। जोगनी वाटरफॉल जाने का सोचा था, लेकिन यार वहाँ पे बर्फ के वजह से शायद रास्ते बंद है। और अभी तो एक ऑप्शन लग रहा है, हिडिम्बा टेम्पल जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं। बाकी मैं पूछता हूँ किसी से कि हम जोगनी वाटरफॉल जा पाएंगे या नहीं। और सोलंग वैली का रास्ता तो बंद ही है एक्चुअली, वहाँ पर सिर्फ 4x4 कार जा रही है, तो जैसे जिप्सी या फिर आप कोई और कार रेंट पे लेना चाहो तो। लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, अराउंड 5,000 रुपीज़ आपके लग जाएंगे आना जाना, तो इसलिए अभी हम वो बुक नहीं कर रहे। और हम सोच रहे हैं कि अभी सीधा हिडिम्बा टेम्पल जाते हैं, उसके बाद दूसरी जगह पे जाते हैं। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ, तो चलो फिर। भाई साहब चल रहा सब कुछ। वैसे यार रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखी है इस वक्त, पूरी रोड पर ब्लैक आइस जमी हुई है, और कार्स के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, ट्रैफिक जाम भी लगना स्टार्ट हो गया है। लेकिन पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग स्लिप कर रहे हैं। बाकी मेरे पीछे आप एक कार तो देख ही रहे हो, ये भी बहुत स्लिप कर रही है अभी। और ऐसी रोड पर खाली 4x4 ही काम में आएगी। तो मनाली में ऐसा हाल है, तो आप सोचो सोलंग वैली में कैसा होगा। इसलिए वहाँ के रास्ते अभी बंद हैं, मतलब 4x4 जा सकती है लेकिन नॉर्मल कार नहीं जा सकती। चलो आगे चलते हैं। तो रोड की कंडीशन तो आप देख ही रहे होंगे, बर्फ की वजह से ट्रैफिक जाम भी बहुत लग रहा था। बाकी इस रोड पर ये वो पॉइंट है जहां पर हर गाड़ी आकर फंस रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी मेहनत कर ली जाए, और मैं निकल गया इस गाड़ी वाले की हेल्प करने के लिए। और करीब 5 से 10 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार हमने इस गाड़ी को निकाल ही दिया था। इसके बाद रोड पर कुछ और लोगों की हेल्प करने के बाद हम पहुंचे मनाली के मॉल रोड पर, जहां से हिडिम्बा देवी टेंपल सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था, जहां आप वॉक करके बड़े आराम से जा सकते हो। लेकिन अब जो रोड आने वाली है, वहां प्रॉपर सनलाइट ना होने की वजह से ब्लैक आइस जमी हुई थी, और हर गाड़ी को यहां से गुजरने में बहुत टाइम लग रहा था। सो गाइस, रोड की कंडीशन तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर। बाकी मैं जब आने वाला था तो मैं खुद की कार लेकर आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ मैं नहीं लाया, क्योंकि भाई रोड की कंडीशन देखो एक बार, जो लोकल लोग हैं उनको चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचो हमारे साथ क्या होता। इनफैक्ट मैं खुद ज़्यादा फिसल रहा हूँ। और अभी जो सामने से गाड़ी गई है, ये गाड़ी बहुत देर से नीचे फंसी हुई थी, अब जाके निकल के आई है। बाकी अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं हिडिम्बा टेम्पल, फिर
वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और मैं आप लोगों को वो टेम्पल दिखाऊंगा, तो चलो चलते हैं। तो अभी मुझे एक भाई मिले हैं, आपका नाम क्या? शुभ। तो शुभ भाई मुझे अभी मिले हैं और आप लोग इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इनके चैनल का नाम है टू हैप्पी गेमर्स, राइट? यस। और बाकी हिडिंबा टेम्पल का रास्ता यही है ना? यहाँ से है। अच्छा, यहाँ से है क्या? यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो गाइस, हिडिंबा टेम्पल के रास्ते पर आ चुका हूँ मैं और अब थोड़ा ट्रैकिंग करके ऊपर जाना है और रास्ता कुछ इस तरीके से है। बाकी बर्फ तो आप देख ही रहे हो हर तरफ, चारों तरफ ये स्नो काफ़ी अच्छी लग रही है। और अभी ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको ऊपर के नज़ारे दिखाता हूँ। गाइस, टेंपल के बिल्कुल पास में पहुंचने वाले हैं और अभी का जो व्यू है वो देखो आप, चारों तरफ सफ़ेद चादर है। और मैं सोच रहा हूँ कि टेंपल विजिट करने के बाद थोड़ा इस तरफ जाओ थोड़ा घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जाली लगी हुई है, अभी यहाँ से नहीं जा सकते, तो क्या पता आगे से रास्ता हो। बाकी ऊपर चलते हैं, फिर अपडेट देता हूँ मैं आपको। तो नीचे रोड से ऊपर आने में हमें करीब 10 से 15 मिनट लगे। चढ़ाई ज़्यादा स्टीप नहीं थी, लेकिन बर्फ़ के कारण उतरने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। यहाँ के लोकल लोगों के बीच में इस मंदिर की बहुत मान्यता है और जनवरी में इस मंदिर की खूबसूरती देखने के लिए बहुत लोग यहाँ आते हैं। सो गाइस, हिडिंबा देवी टेम्पल तो पहुंच गया हूं मैं, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। और अभी जो यहां का व्यू है वो पूरा बर्फ की चादर से ढका हुआ है। आप देखो, मंदिर भी पूरा बर्फ से ढका हुआ है। बाकी ये जो मंदिर है, यहां के लोकल लोगों के बीच में यहां की बहुत मान्यता है इस मंदिर की, क्योंकि हम हिंदू लोग जैसे नवरात्र पे दुर्गा माता की पूजा करते हैं, वैसे ही यहां के लोकल लोग हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। और अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो मैं वीडियो यहीं पर ही बना रहा हूँ। बाकी व्यू तो आप देख ही रहे हो यहाँ का, और मैं ज़्यादा चल के नहीं बना रहा क्योंकि ये बहुत स्लिपरी है, बहुत लोग यहाँ से गिर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, यहाँ पे आप स्केटिंग कर सकते हो, याक के साथ अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम अभी नहीं कर रहे कोई भी एक्टिविटी क्योंकि अभी हम कोई और जगह देख रहे हैं यहाँ से घूमने के लिए, मतलब कोई दूसरी जगह। सोलंग वैली तो यहाँ पे बंद ही है, लेकिन देखते हैं कि कोई और जगह मिलती है या नहीं। बाकी हमारे भाई को दिखाना चाहते हैं, क्या हुआ? अच्छा, ये अभी स्लिप हुए हैं ये दोनों। तो ये तो आप देख ही रहे हो, ये नॉर्मल बात है, सब लोग स्लिप करके गिर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, सब लोग एक ना एक बार तो गिरे ही होंगे आज सुबह से, क्योंकि आज सुबह धूप अच्छी निकली हुई थी तो थोड़ी फिसलन बढ़ गई है, ब्लैक आइस जैसा हो गया है। बाकी चलो आगे चलते हैं। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ का मजा ले सकते हो, जैसे स्केटिंग, स्कीइंग और हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस में अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। सो गाइस, हिडिंबा देवी टेम्पल तो हो गया है, अब हम डूंगरी वन विहार में जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। इसके बाद हम गए डूंगरी वन विहार में, जहाँ की एंट्री प्राइस 10 रुपये पर हेड थी। गर्मियों के टाइम पर यह जगह एक नॉर्मल पार्क जैसी लगती है, लेकिन इस वक्त जनवरी में यहाँ के नज़ारे देखकर आप पागल हो जाओगे। मनाली में सबसे ज़्यादा बर्फ मैंने यहीं पर देखी थी। और यहाँ पर बर्फ में खेलने का मजा नेक्स्ट लेवल था। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने भाई के साथ यहाँ बहुत एंजॉय किया। तो यार, आज तो बहुत खेल लिया बर्फ से, अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सांस भी फूल गई है। अब थोड़ी देर यहाँ पे कोई सूखी सी जगह देखता हूँ जहाँ पे मैं बैठ सकूँ, वरना पूरा लोअर गीला हो जाएगा। बाकी फिर आगे की अपडेट देता हूँ आपको। इसके बाद हम पहुँचे हिडिंबा सरोवर में, जहाँ पर हिडिंबा देवी स्नान करने आया करती थी।
और ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने के बाद आपके सारे रोग खत्म हो जाते हैं। सो गाइस अभी मैं हूँ वन विहार ढूंगरी में, और अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये फ्रोजन लेक है और ये पवित्र लेक है देवी की, तो यहाँ पे जूते लेके जाना मना है। वैसे यहाँ से आगे आप ना जाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि ये पूरी फ्रोज है और अगर आपने गलत कदम बढ़ाया तो आपका पाँव सीधा नीचे ढस सकता है और आप सीधा पानी में जा सकते हो। बाकी नज़ारे तो आप देख ही रहे हो यार, बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए और हम भी यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं बर्फ से, इतनी सारी स्नो है यहाँ पे। बाकी आगे जो सीन होगा वो मैं आपको बताता हूँ, और व्यू तो आप देख ही रहे हो यार। तो गाइस हिडिंबा देवी टेंपल और वन वी आर देख लिया है हमने, अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं और आज हमें अपना रूम चेंज करना है, तो हम रूम से अपना बैग उठाएंगे और कोई दूसरी लोकेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे की अपडेट देता हूँ। सो गाइस रूम तो हमने देख लिया है और रूम कुछ इस तरीके से है, बाकी ये रूम बिल्कुल हमें मॉल रोड पे पड़ा है और ये रूम हमें वैसे तो हमें 800 रुपये के लिए मिल रहा था ये अगर हम 12 बजे चेकआउट करते, लेकिन हमने बोला कि हमें कल शाम को चेकआउट करना है 5-6 बजे, तो इसलिए ये हमें 1300 में मिला है। बाकी मैं आपको यहाँ के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बाकी रूम हमें बिल्कुल मॉल रोड पे ही पड़ा है और ये रूम के बाहर के नज़ारे हैं। हमारे रूम में बालकनी तो नहीं थी एक्चुअली, वो वाला रूम किसी और ने ले लिया था, लेकिन हमें अभी बालकनी की ज़रूरत भी नहीं है, मॉल रोड तो हम कल से घूम ही रहे हैं और रूम हमें यहीं पे मिल गए इतने सस्ते में, तो सही है। और रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब मैं दोबारा केड़ी किला जाऊँगा जहाँ पर मैं कल गया था और वहाँ से अपने बैग लेके आऊँगा, उसके बाद हम यहीं पर थोड़ा रेस्ट करेंगे और चलो चलते हैं फिर। तो गाइस केडी विला से हमने अपना बैग ले लिया और अभी हम उस रूम में जा रहे हैं द हाईवे इन में जो हमने अभी लिया है, और थोड़ा थक गया तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करना होगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अगली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम जाएंगे नेहरू कुंड और हम करेंगे जोगनी वाटरफॉल ट्रैक, तो बेल आइकन दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाली वीडियो की।